face. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too. So finally friends, ऐसा हाया हुआ था जो भी अपना टेस्ट था रेस्ट हो गया तो ये यार बस CSC पता नहीं CCC और पता नहीं क्या किस चीज़ का रेस्ट करा यहाँ तो खून लिया वहाँ मत टिक्चे खिलो और बस यही टेस्ट तो हो गया अपना कन्फर्म। और आज का ब्लॉग मैंने शुरुआत भी नहीं करा इंट्रो करा नहीं तो शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। रूम तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से। सीन ये है यार, 2 बजे तक वेट करनी पड़ेगी, 1:30 हो गया मतलब डेढ़ बज गया। तो 2 बजे से पहला जाना, 5-10 मिनट पहला भग जाऊँगा 2 बजे से, क्योंकि जो डॉक्टर थे भाई थे मैं 2 बजे से पहला क्या उन्होंने आज यार दवाई ले जाइए, 2 बजे से पहले जाऊँगा और दवाई ले जाऊँगा अपनी, ले लूँगा जोन सी लेनी होगी। अरे भाई 2 बजे तक मैं क्या करूँगा, 2 बजे तक मैं करूँगा वेट। पापे की पाजगा पापा जहाँ लग रहा वहाँ जाऊँगा बैठूँगा और वेट करूँगा बस। चला भाई सबर बैठा शायद। तो यार पिता श्री पी ऊपर टेरिस पर जा रहे हैं वॉशरूम, तो मैं यहाँ का बैठ गया और जब पापा आ जाएंगे फिर तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पाऊँगा, सिंपल सी बात है। तो फाइनली यार पापा बैठे थे वहाँ, बोल तो सकूँ था मैं, तो वीडियो जितनी मेरे पर क्लिप्स बन सका थी मैंने बनाई ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो यार मैंने बैठे बैठे थकावट से हो रही थी क्योंकि उसने खून सा भी लिया था मेरा, तो मैं आराम से पड़ गया रेस्ट करा मैंने पड़का और पड़े रहा। उस पापा अपना काम कर रहे थे आराम से जो भी काम था, और मैं पड़ कर आराम से अपना व्लॉग शूट कर रहा था और फ़ोन चला रहा था। तो फाइनली भाई साहब आधा घंटा वेट करने के बाद मैं चल दिया वापस डॉक्टर साहब के पास। तो यार भाई भी फ़ोन वगैरह पूछ रहा है अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, तो जो लड़के रिपोर्ट लेकर होगा उनका फ़ोन वगैरह पूछ रहा है भाई कितने टाइम लगेगा जाओ। तो यार भाई तो चला गया रोटी खान, उसने कहा 5 मिनट वेट कर ले मैं 3 बजे आऊँगा। क्यों कह रहा भाई मैं 3 बजे आऊँगा पर 5 मिनट वेट कर ले मैं बंदे को भेज दूँगा रिपोर्ट लेगा, तो बंदा 5 मिनट में आ जाएगा, इतना ही कड़का वेट करेंगे। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो फाइनली यार अपना हो गया प्रॉपर, डॉक्टर साहब जी चले गए घर, हाँ रोटी खान में आवेंगे 3:30 बजे तक। तो मैं तो जरा जरा रिपोर्ट आ गई थी पर भाई ने जो रिपोर्ट लिखा उसने बताया नहीं, कह रहा मन अलाउड नहीं है, डॉक्टरी सर बतावेंगे भाई तो जो ही बतावा क्या वो रिपोर्ट है। तो मैं तो जरा फिलहाल घर आऊँ से शाम को मैं नहीं आवा जिस टाइम मेरे पापा आओगे कहीं दवाई जाओगे। ओके रिपोर्ट तो वही फिर तो भी दीपक को फोन करा था मैंने यार, वैसे ही कुरुक्षेत्र जा रहे हैं मैं घूमने, दीपक और निखिल और अतुल भी है, अतुल भी वहीं आया उनसे मिलने जाना मैनू भी था, बट मेरी तबीयत खराब हो रही थी, पेट दुख रहा था सिर दुख रहा था, मतलब गर्मी पड़ा था तो मैं जा नहीं सकूँ था। वैसे भी मना था मेरा, मतलब घूमना है नहीं मैंने रेस्ट करना, जो भी मैं है यहाँ मजबूरी में आया मोटरसाइकिल पर अकेला क्योंकि दवाई लेनी थी टेस्ट करवाना था जरूरी था इस करके आया मैं। बाकी भाई साहब दीपक ने निखिल ने वीडियोज बनाई हैं, कुछ क्लिप्स ली हैं वहाँ के कुरुक्षेत्र की घूमते कि जहाँ भी मैं घूमया मैंने नहीं पता ये वागा जो वीडियोज मैंने भी देखी जो वीडियो जी पावगी अगर जो आप देखने को मिलेगी कुरुक्षेत्र की है जो कि निखिल ने बनाई हैं, तो आप इन्होंने देख सकते। इन्फिनिटी लग जा रहा है गाइस, आपको एप्पल दिख रहा है बट एप्पल नहीं।
इस चरित्र में दर्शाया गया कि यार जब श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह जी का वध करण खुद चल दिया था रथ पर उतर का और अर्जुन जी उन्होंने रोक रहे थे, ये तब मतलब इसमें दर्शाया गया उस वक्त का। सॉरी गाइस अजीज को हम लेके नहीं आए साथ में, हम अकेले। डेडा फोन करके बनाया नहीं तो डेडा फोन करके बनाया नहीं रहा उसको फिर डेडा फोन करके मतलब वो पड़ा उसका डेडा फोन करके हमारी वीडियो चल रहे तो चल जाएंगे। आपको एक चीज दिखाना हूँ गाइस, वो 20 देखिए गाइस, इसमें साइंस यूज हो रही है गाइस और लोग कहते हैं ये आई डोंट नो ब्रो, चलो आ जाते हैं। ये देखो गाइस गाइस, ये देखिए इसमें पानी कहाँ जा रहा है, बस सारा पैप लग रहा है यार, ये तो पानी गाइस इसके बीच में पाइप लग रहा है, हम आपका सस्पेंस खो देते हैं। कंस वध कंस वध आयो तने कंस का वध देखा था, तने कंस वध देखा था मन्ने मन्ने तो फिर नाटक में देखो किसको मारा भाई कंस, मन्ने ने देखा एक लग कृष्ण एंड कुरुक्षेत्र ड्यूरिंग सो कृष्ण डिलीवरिंग गीता टू अर्जुन, गीता क्या हमारा गीता को देख Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.